स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने इंडियन विला में। सो होप्स हो कि आप लोग काफ़ी ठीक हो गए। हम लोग भी यहाँ पे ठीक है। और अभी वेदर यूके में ये वीक में बहुत अच्छा है। इंडिया के जितना टेम्परेचर यहाँ पे है लाइक 12 डिग्री 13-14 डिग्री जितना ही रहता है। पता नहीं नेक्स्ट वीक थोड़ा वापस लो हो जाएगा। आप लोगों ने वीडियो का टाइटल देख लिया होगा कि मैं आज किस पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो जो भी लोग यूके में आने वाले हैं और जो लोग भी यूके में हैं वो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्रेडिट स्कोर। मैं आज के वीडियो में पहले डेस्कटॉप पे भी आपको प्रैक्टिकल पूरा दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ कि एग्जैक्टली मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। मैं सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूँ कि यूके में क्रेडिट स्कोर जो होता है वो क्या है। ठीक है, यूके में क्रेडिट स्कोर किस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं, कहाँ से सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है जहाँ पे जाके हम लोग परफेक्ट हमारा क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं, और ये क्रेडिट स्कोर यूके में कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कौन सी जगह पे इसकी ज़रूरत होती है, ये सब चीज़ मैं आज आपको ये वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यूके में क्रेडिट स्कोर क्या है। यूके में क्रेडिट स्कोर मतलब ये चीज़ है कि आप जब भी जिस दिन से आप यूके में आते हो वहाँ से लेकर आप जो जो भी पेमेंट ऑनलाइन करते हो अकाउंट थ्रू करते हो, किसी को भी पैसे देते हो, आप रेंट भरते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल या मंथली जो भी आप अगर क्रेडिट का लिया हो उसका पेमेंट से लेके, अगर आपके पास कार है कार का इंश्योरेंस से लेके हर एक चीज़ का पेमेंट आप किस तरह से करते हो, ऑन टाइम करते हो, लेट करते हो, अर्ली करते हो, वो हिसाब से आपका पूरा क्रेडिट स्कोर बनता है। ये चीज़ होता है यूके में क्रेडिट स्कोर। अब यूके में क्रेडिट स्कोर कौन सी जगह से हम लोग मतलब कौन से प्लेटफॉर्म से हम लोग चेक कर सकते हैं, तो दो वेबसाइट है बहुत अच्छी है, मैंने अभी उसी से ही फाइंड करता था, तो मैं आपको वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप फाइंड कर सकते हो। एक है एक्सपीरियन और दूसरा है चेक माई फाइल। मैं दोनों को आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा डेस्कटॉप पे। और तीसरी चीज़, ये क्रेडिट स्कोर कहाँ पे यूज़ होता है। क्रेडिट स्कोर जब आप यूके में आ जाते हो, और आज नहीं अगर फ्यूचर में आप लाइफ यहाँ पे सेट करना चाहते हो तो डेफिनेटली फ्यूचर में आप प्लानिंग करोगे कि मैं खुद का एक घर लूँ, खुद की एक कार हो या कुछ भी पर्सनल लोन होता है, तो वो सब जब आप अप्लाई करने जाओगे तब बैंक वाले ये क्रेडिट स्कोर देखेंगे और उसी के हिसाब से आपको लोन देंगे, मोर्गेज देंगे, फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। अदरवाइज अगर स्कोर स्कोर आपका डाउन होगा तो कोई भी आपका हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ होती है ये क्रेडिट स्कोर के बारे में। अभी मैं आपको पूरा डेस्कटॉप पे दिखाऊंगा कि ये दोनों वेबसाइट पे आप क्रेडिट स्कोर किस तरह से बना सकते हो, जनरेट कर सकते हो, और किस तरह से उसको मेंटेन कर सकते हो, और किस तरह से उसको फ्री में यूज़ कर सकते हो। एग्जैक्टली मतलब ये दोनों वेबसाइट फ्री नहीं है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि उसको फ्री किस तरह से हम लोग पूरा क्रेडिट रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप किसी भी जगह पे अगर लोन के लिए अप्लाई करोगे तो वो लोगों को आपको क्रेडिट रिपोर्ट देना ही होगा और यहीं से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट के बिना मैं आपको पूरा डेस्कटॉप पर लेके जाता हूँ और किस तरह से क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। चेक माई फाइल, चेक माई फाइल आप जैसे ही ओपन करोगे देखो ये उसका होम पेज है चेक माई फाइल का। ठीक है, अभी मैंने तो लॉगिन कर दिया हुआ है, मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन मैंने इस पर कर दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नॉर्मली साइन अप आपको करना है तो किस तरह से कर सकते हो। आपको नॉर्मली साइन अप के पेज में जाना है, आप देख सकते हो कि फ्री क्रेडिट रिपोर्ट 30 डे ट्रायल पे। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको सिर्फ इतना डिटेल है वो फिल करना है, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये लिखा है द यूके सोनी क्रेडिट रिपोर्ट विथ डाटा फ्रॉम इक्विफैक्स एक्सपीरियन एंड ट्रांसयूनियन एंड द क्रेडिवा, ये जो है वो कंपनी है जो क्रेडिट रिपोर्ट आपका जनरेट करती है और हर एक कंपनी में आपका प्रोवाइड कर दिया जहाँ पे जरूरत होता है, तो उसमें से सबसे बेस्ट एक ये है जो मैं अभी आप चेक देख रहे हो चेक माई फाइल, और दूसरा है एक्सपीरियन। ठीक है, अभी एक्सपीरियन में आप जैसे ही ओपन करोगे ये आपको देख सकता है कि आपको इतना बेसिक डिटेल डालना है, टाइटल डालना है, योर फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड आप जनरेट कर सकते हो, फिर एंटर योर करंट पोस्ट कोड। अभी करंट पोस्ट कोड में वो लोग शायद 3 साल का एड्रेस उनको जरूरत पड़ेगा, और होप्स कि आप अगर अभी जस्ट यूके में आए हो एज अ स्टूडेंट हो, तो आप अभी जस्ट यूके में आए हो तो आपको क्या कर सकते हो, अगर सपोज यहाँ पे आपने एड्रेस लिखा और आपने, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अगर कोई भी 4 3 ये सपोज मैंने एड्रेस लिखा, ठीक है, हम लोगों ने ये एड्रेस सिलेक्ट किया, अभी वो लोग यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि डेट ऑफ मूव, मतलब आप डेट मूव इन,
कब आप यहाँ पे आए वो एड्रेस, अगर आप 1 साल का लिखोगे तो शायद ये वाला वेबसाइट नहीं मांगेगा बट एक्सपीरियंस में जरूर मांगेगा कि आपको 3 साल का हिस्ट्री चाहिए। तो आपको प्रीवियस एड्रेस अगर आपके पास हो, और उसमें ऑप्शन भी आता है इंटरनेशनल का, मुझे पता है कि अगर आप ये अभी 6 महीने ही हुए हो, 1 साल हुआ हो, तो किस तरह से कर सकते हो, उसमें इंटरनेशनल का एड्रेस आता है और आपका आपकी कंट्री का आपके स्टेट का पोस्ट कोड वगैरह इंडिया में जो भी होता है वो आप ऐड करोगे तो उनको 3 साल का एड्रेस मिल जाएगा, दैट्स इट, उनको और कोई जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ पे कार्ड की डिटेल आपको देनी ही पड़ेगी, पता है, क्योंकि यहाँ पे उसके बाद कुछ है चार्जेस है 14.99 करके कुछ है आफ्टर 30 डेज के बाद। ठीक है, तो अभी आप इस पर कार्ड की डिटेल आप सेंड कर देना, उसमें कुछ भी पैसा कटने वाला नहीं है, वो 30 दिन के बाद कटेगा। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप इसमें जाओ, एंटर हो, आप देख लो, आपका रिपोर्ट 30 दिन तक आप यूज कर सको, रिपोर्ट डाउनलोड भी कर लो, और जैसे ही 30 डेज फिनिश होने आता है उससे पहले आप अनसब्सक्राइब कर लो, तो आपका पेमेंट नहीं कटेगा, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, इतना डिटेल कर दिया, और मैंने तो ऑलरेडी मेरा लॉगिन है, तो मैं आपको लॉगिन करके भी दिखा दो कि अगर आप साइन इन करके जब सब डिटेल डाल देते हो उसके बाद आप क्या कौन सा वाला पेज देख सकते हो वो मैं। ओके, अब जैसे ही साइन इन करोगे पूरा डिटेल ऐड कर दोगे उसके बाद आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा चेक माई फाइल में। सॉरी, अभी मैं आपको मेरा स्कोर दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे मेरा स्कोर है 1000 में से 743। ये स्कोर आप मैं बताऊं कि काफी कम होता है ये स्कोर, ऐसा इतना स्कोर होगा तो आपको फिर फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम आएगा, और मेरा इतना स्कोर क्यों है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो हर एक इंफॉर्मेशन मेंशन किया हुआ है कि इंफॉर्मेशन, ये इक्विफैक्स भी एक वेबसाइट है जहां पे क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो, लेकिन ये चेक माई फाइल ऐसा है कि उसमें हर एक कंपनी की जो वेबसाइट होती है जो क्रेडिट स्कोर चेक करने वाले वो पूरा कंपेयर करके आपको दिखा देती है। ये इक्विफ्लेक्स का है, ये एक्सपीरियन का है, आप नीचे देख सकते हो, ये ट्रांस यूनियन और ये क्रेडिविया का, सबका है, ये चारों चार का मेन चीज है। अभी इसमें वो लोग ने मैंशन किया हुआ है, देखो ये यस या 6 एक्टिव अकाउंट रिपोर्ट, मतलब मेरा यहाँ पे यूके में जो मैंने बैंक में अकाउंट खोला है, फिर अगर इंश्योरेंस का कोई मेरा अकाउंट होता है वो हर एक चीज़ का कैलकुलेशन करके बता दे कि 6 एक्टिव आपका अकाउंट है, नॉट रजिस्टर्ड पेमेंट हिस्ट्री रिपोर्ट, कुछ पेमेंट हिस्ट्री रिपोर्ट, अभी रजिस्ट्रेशन भी नेगेटिव नहीं है। अभी सबसे बड़ी चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो मेरा यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है रेड कलर का, आप देख सकते हो, ये नॉट कन्फर्म ऑन इलेक्ट्रॉन रोल, मतलब इलेक्शन में जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आता है वो मेरा अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है। ठीक है, वो हर एक देखो ये वेबसाइट पे दिखाया, उसके बाजू में इंफॉर्मेशन जो एक्सपीरियंस में है उसमें भी यही चीज है। ठीक है, इसके नीचे भी यही चीज है और इसके अंदर भी यही चीज है, ये सबसे बड़ी चीज है आपका क्रेडिट स्कोर के लिए। अब ये चीज क्या है, इलेक्ट्रिशियन में रजिस्ट्रेशन मैंने किया है कि नहीं किया, मैंने जब जैसे ही ये नया घर लिया हम लोग मूव हुए तो मैंने रजिस्ट्रेशन उसके 1-2 महीने के बाद कर दिया हुआ था, बट वो 6 महीने के बाद वहां पे इलेक्शन के रजिस्ट्रेशन में आपका नाम एक्टिव होता है 6 महीने के बाद, और उसके बाद ये आपका क्रेडिट स्कोर में वो अपडेट होता है। तो मतलब अभी हमारा 5-6 महीना हुआ है, तो ऑब्वियसली 1-2 महीने के अंदर मेरा यहाँ पे वो एक्टिव हो जाएगा, उससे मेरा ये स्कोर है 743 है वो मे बी 100 के अप बढ़ सकता है, लाइक मोर देन 800 के आसपास ये हो जाएगा, वो मुझे ऐसा होप है, क्योंकि मुझे प्रीवियस एड्रेस में था तो वो रजिस्ट्रेशन था, मैंने जैसे ही एड्रेस चेंज किया तो ये चीज होता है, और मेरा ये इतना कम स्कोर का रीजन भी यही है क्योंकि मैंने हर एक जगह पे एड्रेस चेंज किया। मैं जैसे ही एड्रेस चेंज करता हूँ, लाइक आप बोल सकते हो ब्रिटिश गैस में, इलेक्ट्रिसिटी में, गैस बिल में, जहां पे भी आप एड्रेस चेंज करते हो, अगर मेरे पास कार है तो कार में मैंने DVLA को इन्फॉर्म किया कि मैंने एड्रेस चेंज किया हुआ, तो जो जो जगह पे आप लोग एड्रेस चेंज करते हो तो आपका स्कोर वो 2-3 महीने डाउन हो जाता है, उसके बाद अप होना स्टार्ट होता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हो सके तो इतना एड्रेस चेंज मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका स्कोर डाउन हो जाएगा और उसको बढ़ने के लिए 3 से 4 महीने के ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हर एक आपका एड्रेस अपडेट होने में बहुत टाइम लग जाता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से मेरा स्कोर ये डाउन है क्योंकि मैंने 6 महीने पहले घर मूव किया तो मुझे हर एक जगह पे एड्रेस चेंज करवाना पड़ा, इवन बैंक में हर एक जगह पे मैं जॉब करता हूँ वो सब इसको पता चल जाता है कि आप लोग ने एड्रेस चेंज किया, इसके वजह से आपका स्कोर डाउन हो जाता है, ये मेरा रीजन है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो, अभी इसमें आपको रिपोर्ट कैसी है, ये मेरा स्कोर है, अब जैसे ही जैसे नीचे जाओगे पूरा ये आपको डिटेल दिखता जाएगा। अभी रिपोर्ट आपको कैसे डाउनलोड करना है, आप पूरा डाउन नीचे पूरा चले जाइए, ये सब आप सब स्टेटस आप ध्यान से देख सकते हो, व्यू
डाउनलोडेबल रिपोर्ट, ये आपको डाउनलोड करने के रिपोर्ट अगर करना है तो आप यहाँ पे सिंपल क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको पासवर्ड दिखेगा, वो पासवर्ड आपको देगा, डाउनलोड कीजिएगा, डाउनलोड में अपने पासवर्ड डाल के सबमिट कीजिएगा, ये है वो है मेरा रिपोर्ट, ये डाउनलोड कर लीजिएगा। अब सिंपल यहाँ से डाउनलोड करके या डेस्कटॉप या किसी भी जगह पे आप डाउनलोड कर सकते हो। करने का आपको अनसब्सक्राइब करना है तो आपको सिंपल सा मैं आपको बता दूँ, ये सेटिंग में ऊपर ये सेटिंग ऑप्शन है उसमें जाइए, हाउ कैन वी असिस्ट यू, उसमें आई वुड लाइक टू मैनेज माई सब्सक्रिप्शन, वट डज यू क्वेरी, आई वुड लाइक टू स्टॉप माई सब्सक्रिप्शन, एक्सेस टू द कैंसल पेज पे चले जाएंगे और यहाँ पे बिफोर आई हैव डन, अब कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, आई डोंट व्हाट आई नीड टू डू, हाँ मैंने सिलेक्ट कर दिया, आई नीड टू, व्हाई डिड यू यूज, आई नीड टू चेक माई क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट स्कोर एक बार चेक कर लिया, ये कैंसलेशन का प्रोसेस अभी स्टार्ट हो गया, कन्फर्म योर सर्विस हैज बिन कैंसल, अभी ये सर्विस कैंसल हो गया, लेकिन आप जब करो वो तुरंत मत करो, अगर आपने आज किया तो 25 डे के बाद एक बार फिर से आपका रिपोर्ट अगर आपको जरूरी है तो डाउनलोड करके फिर ये करो, तो आपका पेमेंट 30 डेज के पहले अगर कैंसिल कर दोगे तो आपका पेमेंट नहीं कटेगा, ठीक है। अभी मैं आपको दूसरी वेबसाइट है जो मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, वो है एक्सपीरियन, ठीक है, ये एक्सपीरियंस में भी आपको लॉगिन, अगर आपका लॉगिन नहीं है तो यहाँ पे आप क्रिएट योर एक्सपीरियंस अकाउंट में, मैंने जो एक बार मैं फिर भी आपको इसका पेज आपको खुल के दिखा देता हूँ, देखो इसमें 3 स्टेप अलग अलग आते हैं आपको डिटेल ऐड करने के लिए, वैसे ही सब टाइटल, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल एड्रेस कन्फर्मेशन, आपका फोन नंबर, मदर्स मिडल नेम, ये सब आएगा। अब दूसरे में आप जाओगे तो आपका एड्रेस आएगा, अगर एड्रेस में भी 3 साल का मैंने बताया वैसे इंटरनेशनल का ऑप्शन आएगा, आपका एड्रेस डाल दो, और थर्ड में आएगा पेमेंट का ऑप्शन जो आपको मैंने बताया, वो सब्सक्राइब करने के लिए 14.99 पाउंड पर मंथ होता है, वो आपको बैंक आपका अकाउंट डिटेल ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मेरा लॉगिन है तो मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ, ओके तो ये मेरा एक्सपीरियन का स्कोर ऊपर हो गया, इसमें स्कोर है 999 में से मेरा 756 स्कोर है, वो किस लिए वो भी मैंने आपको बताया, क्योंकि मैंने हर एक जगह पे एड्रेस चेंज किया था उसकी वजह से ये चीज़ है, ठीक है। अभी इसमें मैं शायद रिपोर्ट नहीं डाउनलोड कर सकता क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर अनसब्सक्राइबर कर दिया हुआ है। इसमें किस तरह से क्रेडिट स्कोर डाउनलोड कर सकते हो, देखो ये दिखा हुआ है, अपग्रेड टू योर क्रेडिट एक्सपर्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इफेक्टिंग योर स्कोर, ठीक है, स्टार्ट टूडे में करोगे, मैंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है इसी वजह से ये आता है, आप इधर जाओगे, ये बैंक डिटेल का अभी मैंने मैंने ऐड किया हुआ है, लेकिन उसको अगर एक्टिव करना है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 14.99 पर मंथ का होता है, आपने किया होगा स्टार्टिंग में तो वो रिपोर्ट यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वो रिपोर्ट आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो वैसे ही आप दो में से किसी एक को भी प्रीफर कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों में आपको 14.99 सब्सक्राइब करना जरूरी है, आपको जरूरी नहीं है, किसी दो में से किसी एक का भी करो, और चेक माई फाइल का करोगे तो भी चलेगा और एक्सपीरियंस का करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये इसमें मैंने आपको बताया और उसमें भी बताया, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कुछ भी लोन के लिए अप्लाई करते हो फ्यूचर में। मैंने घर लेने के लिए जब प्लानिंग किया था तो मैं सीधा एजेंट के पास चला गया और मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पे ऐसा होता है, इस तरह से स्कोर चेक करते, स्कोर का इंपॉर्टेंट इतना है, इसकी वजह से मुझे पता ही नहीं था, इसकी वजह से मैंने मेरा नियरली मैं बताऊँ कि नियरली मेरा 3 से 4 बैंक वालों ने रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज ऑफ द माई क्रेडिट स्कोर, वो टाइम पे मुझे पता ही नहीं था और मेरा स्कोर नियरली 500 के आसपास था, और अगर आप घर के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको मोर देन 800 स्कोर चाहिए, जितना अच्छा होगा उनका उसका उतना आपके लिए बहुत अच्छा है, आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, कार के लिए, किसी के भी लिए अप्लाई करते हो, वो बहुत चीज़ अच्छा है। सो ये चीज़ फोकस, आप अगर कुछ भी प्लानिंग करते हो तो उसके 6 महीने पहले से ये क्रेडिट स्कोर पे आप ध्यान देना शुरू कीजिए। अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि मैं आपको बताऊंगा कि चेक माई फाइल और एक्सपीरियंस में दोनों में डिफरेंट क्या है, कैसा है कि अगर आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो फ्यूचर में, किसी के मैं मॉर्गेज के लिए अप्लाई करना है या मैं मेरा ही खुद का एग्जाम्पल दूँ तो आपको थोड़ा सा ईजी समझ में आ सकता है, तो कुछ बैंक होती है जो वो एक्सपीरियंस का रिपोर्ट चेक करती है, अगर उसमें स्कोर ठीक ठाक है तो वो लोग अप्लाई कर दे, वो प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं आपको लोन देने के लिए, और कुछ बैंक होती है जो चेक माई फाइल में अप्लाई करती है, और चेक माई फाइल में ज्यादातर क्यों अप्लाई करते हैं क्योंकि उसमें मैंने बताया कि 3 से 4 वेबसाइट का स्कोर आपको दिख जाता है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ऑप्शन है, मेरे तरफ से मैं आपको बताऊं कि आप चेक माई फाइल में रजिस्ट्रेशन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
और आपका स्कोर देखिए, ठीक है? अगर आपका स्कोर दिख जाता है अच्छा है वैसा, आपको रिपोर्ट डाउनलोड करना है तो आप रिपोर्ट डाउनलोड कर दिए, फिर वापिस अनसब्सक्राइब कर दिए, तो आपका पेमेंट भी नहीं कट गया, वो पूरा फ्री होगा। तो जो स्टूडेंट भी यहाँ पे आने वाले हैं या वर्क पे जो भी आने वाले हैं, और जो भी लोग भी यहाँ पे है वो फ्यूचर में ऐसा कुछ प्लानिंग करने वाले हैं अपने घर के लिए, कार के लिए या पर्सनल लोन के लिए, तो ये क्रेडिट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जब भी फाइल रखोगे वीज़ा एक्सटेंशन के लिए या कुछ वीज़ा अप्लाई करोगे, तभी भी ये चीज़ वो लोग होम ऑफिस वाले भी देखेंगे कि आपका पेमेंट मेथड यूके में इतने साल तक कैसा रहा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी तरफ से मैंने आपको क्रेडिट स्कोर के बारे में जितना हो सका, मैंने जो जो एक्सपीरियंस किया इससे, तो मैंने आपको पूरा शेयर किया। और फिर भी अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है या कुछ भी क्वेरी या कुछ भी क्वेश्चन होता है, तो मैं आपको इंस्टाग्राम का आईडी मेरा दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे मुझे मैसेज या कांटेक्ट कर सकते हो। और ये दोनों वेबसाइट की लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप दोनों वेबसाइट पे पहले थोड़ा सा सर्च कीजिए, आपको जो कंफर्टेबल लगता है, आप जो इजीली ऑपरेट कर सकते हो उसमें जाकर आप कर सकते हो। आपको सिर्फ डिटेल चाहिए, एड्रेस वगैरह ही चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये, आप इलेक्ट्रॉन रजिस्ट्रेशन में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो रजिस्ट्रेशन भी कर दीजिए। अगर आपको नहीं पता चलता तो मुझे कमेंट में बताइएगा प्लीज़, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि उसमें किस तरह से रजिस्ट्रेशन करते हैं। हाँ, तो होप्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जो पहली बार मेरे चैनल पे आया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैं यहीं पे वीडियो का एंड करता हूँ, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और बी सेफ।